देखिए, कल हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई बटन है ना, और उस बटन पे अगर हमें कोई इवेंट करना है, तो किसी बटन पे, जैसे ये हमारा बटन है, इस पे इवेंट करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाइए और प्रॉपर्टी के अंदर एक नाम दे दीजिए, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए, और जो भी आप नाम यहाँ पे दोगे, इसी नाम से आपको अपने जावा में मेथड बनाना होता है। और यहाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप अल्ट और एंटर लिख के यहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्रिएट इवेंट हैंडलर, सर यहाँ पे क्रिएट अ मेथड इन एक्टिविटी, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो अपने आप यहाँ पे उसी नाम से मेथड बन के आ जाता है। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि शो लिखना ज़रूरी है, आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे जो मर्जी आपको लिखना है लिखिए, और जैसे अल्ट और एंटर करके यहाँ पे यहाँ क्रिएट एक्टिविटी में जाओगे, अल्ट और एंटर, कंप्यूटर के अंदर अल्ट और एंटर करना है, जैसे यहाँ पे जाओगे इस नाम से मेथड बन जाएगा, और बस आप इसी मेथड के अंदर जो लिख दोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए टोस्ट क्लास होती है, और टोस्ट क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है मेक टेस्ट। तो टोस्ट और स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम से कॉल करते ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। अब इसमें तीन पैरामीटर जाता है, पहला पैरामीटर होता है कि दिस, मतलब किस क्लास में दिखाना है, ठीक है, दूसरा होता है क्या आपको मैसेज दिखाना है, मैसेज हमने हेलो हाय कुछ भी लिख दिया, फिर आपको कितने देर तक दिखाना है, तो देर तक दिखाने के लिए यहाँ पे टाइम पास करना होता है, तीन पैरामीटर होता है, फिर से बता रहा हूँ, पहला होता है कि आपको किस जगह दिखाना है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है पूरी एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन, जिस के अंदर होता ही है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, दूसरा यहाँ मैसेज टेक्स्ट, और तीसरा यहाँ के कितने देर तक दिखाना है। तो यहाँ देर तक दिखाने के लिए होता है एक शॉर्ट स्टैटिक कॉन्स्टेंट होता है, एक लॉन्ग होता है ना, तो अगर लॉन्ग कर दोगे तो लॉन्ग टाइम तक दिखाएगा, और यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दोगे थोड़ा कम टाइम तक दिखाएगा, थोड़ा जल्दी आएगा और मैसेज चला जाएगा, उसके ऊपर डॉट शो मेथड यहाँ चला देते हैं। तो बस ये कहानी है, अगर आप किसी भी बटन पे इवेंट करना चाहते हो तो आपको ये पहला तरीका होता है। पहला तरीका क्लियर है? तो अगर पहला तरीका आपको क्लियर है तो ये वाला तरीका हम फॉलो नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, रीज़न बीइंग क्योंकि देखो, कल मैं आपसे बता रहा था कि अगर आपके पास एक सिंगल बटन है तो उस बटन पे तो ये इवेंट आप कर लोगे, लेकिन बटन भी तो हमारे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, या इवेंट भी तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर क्या होता है कि वाईफाई इनेबल करने का ऑप्शन होता है, तो हम एक सिंगल क्लिक कर देते हैं, वाईफाई इनेबल हो जाता है, लेकिन अगर सपोज़ करो हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाईफाई हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा देर तक प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, तो वो जो ज़्यादा देर तक हम प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, यानी कि हमारे पास सोर्स एक ही है ना, एक ही सोर्स है, और उस पर हम दो टाइप के एक्शन कर रहे हैं, एक क्लिक का एक्शन कर रहे हैं और एक लॉन्ग क्लिक का एक्शन कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रेस करा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर क्लिक वाला एक्शन की ज़रूरत होगी तो इससे तो हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग क्लिक वाला करने का एक्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या ऑन लॉन्ग कुछ है क्या, लॉन्ग करके है यहाँ पे, लॉन्ग प्रेस के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए ये तरीका उतना वैलिड नहीं माना जाता है। मतलब करो, आपको जब ज़रूरत हो तो प्रॉपर्टी के थ्रू इस तरह से आप इवेंट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर क्या तरीका होगा? फिर तरीका ये होगा कि यहाँ पे हमारे जावा के अंदर बहुत सारे लिसनर इंटरफेसेस दिए गए हैं, है ना, और उस लिसनर इंटरफेसेस के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास इवेंट क्लासेस दी गई हैं। तो जितने भी टाइप के इवेंट हो सकते हैं, उन सारे इवेंट के लिए लिसनर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अगर कल आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक लिसनर करके एक इंटरफेस है, उसे इम्प्लीमेंट करा लिया था, है ना, और उसका एक मेथड होता है ऑन क्लिक करके, हमने इसे ओवरराइड कर लिया था, और इसके अंदर हमने लॉजिक लिख दिया था,
लेकिन जब इसको चलाया था एक्सेप्शन आ गई थी रन टाइम पे, वो प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो रही थी। रीज़न बिंग क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं हटाया था ना, ये ऑन क्लिक के अंदर ये भी रखा था और साथ में वो भी रखा था, तो इससे पहले चीज़ हम हटाएंगे। जब हम लिसनर के थ्रू करेंगे तो ये ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी हटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है अभी। ठीक है, हटा दिया। और यहाँ पे जो मेथड्स बने होंगे, अच्छा एंड्रॉइड स्टूडियो में एक और क्वालिटी है कि देखो जो मेथड, जैसे मान लो कि कोई मेथड यूज में है तो वो हाईलाइटेड होगा, जो मेथड यूज में नहीं है वो डीम्ड होगा। देखो यहाँ डिसेबल है, ये थोड़ा हल्का हल्का आपको डीम दिख रहा है? अभी देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, दिख रहा है ना? अगर आप यहाँ पे ऑन क्लिक में यहाँ शो लिख देते हो तो आप देखो ये मेथड एक्टिव हो गया। अब ये मतलब यूजफुल है, यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो आ गया ना। तो अगर आप यहाँ पे इसे यूज नहीं कर रहे हो तो इसे आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, हटा दो। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। और आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है और यहाँ पढ़ना है, ठीक है? और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर किसी बटन पे हमें इवेंट करना है तो इवेंट हम कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ। तो बस ये मैं मान के चलता हूँ कि आप पहला तरीका केवल जानते हैं, ठीक है? यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, ठीक है? ये भी हटा देता हूँ, बस ये एक्सटेंड जो हमारा था इम्प्लीमेंट हटा देना था, ठीक है? ठीक, चलिए। अब हमारे पास, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ओपन हुई थी, ताकि आपको कोडिंग करने में दिक्कत ना हो। हमारे पास देखिए मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट में एंट्री है मेन वाले की, तो मेन एक्टिविटी पहले चलेगी। मेन एक्टिविटी के अंदर हमने कौन सा एग्जामल कॉल कर रखा है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एग्जामल, जो कि यहाँ लेआउट के अंदर पड़ा हुआ है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। आप यहाँ कंट्रोल करके लेके जाओगे तो हाईलाइट हो जाएगा, ये हाइपरलिंक बन जाएगा। आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये एग्जामल ओपन हो गया। इस एग्जामल को यहाँ से प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ सेटिंग करना है कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हमने कल यहाँ से, कल क्या किया था, यहाँ से अब इस पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए और इवेंट का कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए जैसे अगर आपने AWT पढ़ा हो या जावा के अंदर स्विंग पढ़ा हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको कोई GUI एप्लीकेशन बनाना है तो एक GUI एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक कंटेनर तैयार करना होता है, यानी कि एक फ्रेम लेना होता है ना। फ्रेम लेते हो, फ्रेम लेते हो या आप विंडो लेते हो। क्यों लेते हो? ताकि उस फ्रेम या विंडो पे आप कोई भी छोटे छोटे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेकबॉक्स हो गया, उनको रख पाओ, ठीक है? जैसे ये हमारा नोटपैड ही एक काइंड ऑफ विंडो है ना, ये विंडो है। अगर ये विंडो नहीं होगा, इस टाइप का एक विंडो स्क्रीन नहीं होगी, तो इस पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे रखोगे, है ना? तो विंडो को हम क्या बोल सकते हैं, कंटेनर बोल सकते हैं ना। कंटेनर मतलब जो चीज़ों को कंटेन करके रखे, ठीक है? और जो हम बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है? तो हमारे लिए सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए और उस कंटेनर के अंदर कंपोनेंट चाहिए AWT के अंदर। तो अब एंड्रॉयड के अंदर भी आप जरा एज्यूम करो कि आपके पास ये, हटा देते हैं, ठीक है? ये हमारा जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, ये स्क्रीन एक काइंड ऑफ कंटेनर नहीं है, ये कंटेनर ही है। तो ये कंटेनर को यहाँ पे बोला जाता है लेआउट। कंटेनर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेआउट, ठीक है ना? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, व्यू ग्रुप। किस नाम से जानते हैं? व्यू ग्रुप, ठीक है ना? और ये जो कंपोनेंट्स इस पे रखेंगे हम, ठीक है, एंड्रॉयड की भाषा में विजेट्स बोलते हैं, विजेट्स बोलते हैं, विजेट्स,
विजेट्स जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, दे आर ऑल विजेट्स, ठीक है। इनको एंड्रॉयड की भाषा में एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यूज। क्या बोलते हैं? व्यूज, व्यूज, जो व्यू व्यू कराते हैं हमें चीजों को। तो एक होता है व्यू और एक होता है व्यू ग्रुप, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि एक व्यू को बनाने के लिए व्यू ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, मतलब विजेट्स को बनाने